फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो दोस्तों, स्वस्थ जन सम्राट राष्ट्र, आप लोगों ने कम्युनिटी टैब पर सबसे ज्यादा वोटिंग दी थी हाइट 18 साल की उम्र के बाद कैसे बढ़ाएं, इसका सच और झूठ साइंटिफिक एनालिसिस। तो देखो, लड़कों की हाइट जो होती है वो आमतौर पर 18 साल की एज तक बढ़ती है और लड़कियों की लगभग 16 साल की एज तक, और इसके बाद रुक जाती है। हाइट रुक क्यों जाती है पहले ये समझिए, तब आपको समझ आएगा कि सच और झूठ क्या है इससे रिलेटेड। हमारी हाइट जो होती है वो एक प्लेट होती है हमारी सभी बोन्स में, जितनी भी लॉन्ग बोन है चाहे वो पैर की हो हाथ की हो, सब में एक प्लेट होती है जिसको एपिफाइसल प्लेट बोलते हैं, और बोन ऐसे बढ़ती है। तो एज के साथ साथ बढ़ते बढ़ते ये प्लेट को जब छू जाती है हमारी लॉन्ग बोन, और ये अल्टीमेटली छू जाती है, तो इसके बाद हाइट नहीं बढ़ सकती किसी भी मेथड से, दुनिया के किसी भी मेथड से, किसी भी दवा से। यदि कोई भी ये बोलता है तो वो सर्वथा झूठ है। तो आपके पास तभी तक मौका होता है हाइट बढ़ाने का जब तक ये प्लेट को टच ना कर जाए बोन, ठीक है। एपिफाइजल फ्यूजन बोलते हैं इसको मेडिकल लैंग्वेज में, टेक्निकल भाषा में, ठीक है। बोन इसको पार करके नहीं जा सकती, ठीक है। तो अब आती है बात, क्या 18 साल के बाद हाइट बढ़ सकती है? तो देखो, मैंने कुछ वीडियो देखे, मुझे बहुत दुख होता है यूट्यूब पर इन वीडियोस के मिलियंस ऑफ व्यू हैं इस तरह के वीडियोस पर हाइट बढ़ाने के, जो कि एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक और झूठ पर आधारित हैं। खासकर कुछ हार्मोन्स वगैरह की चर्चा है, फिर कुछ ऐसे मेथड्स की कि लेट जमीन पर लेट कर सोएंगे आप तो बहुत तेजी से 18 साल की एज के बाद भी हाइट बढ़ सकती है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो देखो, पहले समझिए आप कि हाइट कम क्यों होती है। हाइट के कुछ फैक्टर्स जो हैं वो है जेनेटिक फैक्टर पहला। मैं आपको समझाऊंगा माता पिता की हाइट जो भी है उससे आपकी अप्रोक्सीमेट हाइट निकालने का एक फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहला है जेनेटिक। तो माता पिता की हाइट पर आपकी हाइट जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं है। कई बार दादा के नाना नानी के जीन्स भी आ जाते हैं तो, और मैनिफेस्ट कर जाते हैं, तो आपकी हाइट आपके पेरेंट्स से हल्की फुल्की या ज्यादा अलग भी हो सकती है, बट आमतौर पर जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आता है कुछ हॉर्मोन्स, जैसे कि थायराइड हॉर्मोन की कमी होने से हाइट में दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि आपको ये जल्दी पता चल जाए, जल्दी उम्र में पता चल जाए, जब आपका एपिफाइजल फ्यूजन नहीं हुआ, आपके पेरेंट्स को पता चल जाए, तो थायराइड हॉर्मोन का इलाज लेने से आपकी हाइट को काफी फायदा होगा। मेरे पास एक बच्ची आई थी, बहुत ही बोनी सी थी, लेकिन वो उसको हाइपोथायरॉइडिज्म था। मैंने जस्ट 25 पैसे 50 पैसे रोज की एक गोली है वो दी, और उसकी हाइट अब काफी अच्छी है। ओके, तो हाइपोथायरॉइडिज्म। फिर आते हैं बात, वो जो इंजेक्शन की बात करते हैं कि इंजेक्शन से हाइट बढ़ जाती है, तो नहीं भैया, ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंजेक्शन सिर्फ कुछ कंडीशंस में ही लगाया जाता है, वो जैसे कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी ब्लड में हो, जो कि बहुत कम लोगों को, बहुत कम बच्चों को होती है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, वो भी एक उम्र तक लगाएंगे तो फायदा है। मतलब कि ये नहीं कि किसी भी उम्र में आज मैं अपनी उम्र अपने आप को ग्रोथ हार्मोन लगाऊं तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी यदि मुझे है तो ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन से बढ़ जाएगी, और ये बहुत कॉस्टली इंजेक्शन होता है। लगभग एक महीने की कॉस्ट ट्रीटमेंट की 10,000 से 20,000 रुपए आ सकती है, जो कि लगातार 2 साल तक कम से कम लेना होगा, और बहुत कम पेशेंट्स में ग्रोथ हार्मोन की जांच वगैरह करने के बाद इसकी जरूरत होती है, ठीक है। फिर आते हैं बात कि कुछ सिंड्रोम्स, कुछ जेनेटिक कॉजेस होते हैं, फिर जिन कारणों को आप दूर कर सकते हैं वो है न्यूट्रिशनल, विटामिन डी की कमी जो कि बहुत कॉमन है भारत में, 70% लोगों को है, प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, ये सप्लीमेंटेशन, और एक्सरसाइज यदि आप करते हैं सही समय पर, मतलब कि आपके एपिफाइजल फ्यूजन की उम्र के पहले, तो आपकी हाइट में इंप्रूवमेंट दिख सकता है। तो कैल्शियम टॉनिक्स आते हैं, टैबलेट आते हैं, जिंक की टैबलेट्स आती हैं, विटामिन डी के सैशेज वगैरह आते हैं, ये डॉक्टर से आप लिखवा सकते हैं। यूट्यूब पर प्रिस्क्रिप्शन लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्टर से लिखवा कर आप ले सकते हैं प्रॉपर डोजिंग में। और एक्सरसाइज में ये भी एक मिथ है कि लटकने से हाइट बढ़ती है, नहीं, लटकने से हाइट पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो एक एक्सरसाइज का फॉर्म है। तो कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हो तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तो अच्छी नींद लेना और अच्छा एक्सरसाइज करना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना अच्छी हाइट पाने का एक साधन है। तो सच क्या है? सच यह है कि एपिफाइजल फ्यूजन के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। तो 18 साल की एज में यदि आपका एपिफाइजल फ्यूजन हो गया, जिसकी संभावना बहुत है, तो आप व्यर्थ यहां वहां भटक रहे हैं, व्यर्थ की एडवर्टाइजमेंट या यूट्यूब वीडियो देखकर अपना गलत ओपिनियन बना रहे हैं। लेकिन
बहुत कम लोगों का एपिफाइजल फ्यूजन लड़कियों का 16 इयर्स के बाद भी नहीं होता और कुछ का 18 इयर्स की एज के बाद भी नहीं होता। उन केसेस में हाइट बढ़ेगी, बशर्ते कि आप अच्छा एक्सरसाइज ले रहे हो, कर रहे हो, डाइट सही ले रहे हो, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, हाइट बढ़ेगी। लेकिन यह नहीं होगा कि चमत्कारिक रूप से बढ़ जाएगी। किसी पॉस्चर, किसी लेट ने, किसी खास करवट में सोने, ये सब की जो बातें हैं ये एब्सोल्युटली झूठ है, अनसाइंटिफिक है, कहीं भी साइंटिफिक जगह पर रिकमेंडेड नहीं है। और आपको मैं सलाह दूंगा, एक्सपर्ट्स की बात सुना कीजिए। यूट्यूब पर कोई भी बना सकता है, कोई भी एक 12th पास लड़का जिसको कुछ भी नहीं पता और व्यू के लिए वो एक चमत्कारिक थंबनेल के साथ कुछ भी बनाकर डाल सकता है और आप उसको मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं। और मैं देखता हूं कि वो वीडियो में जो कमेंट होते हैं वो भी बहुत ही मजेदार होते हैं, जिसमें उनको लग रहा होता है कि हाँ अब तो मिल गया वो नुस्खा जिसकी जिसका मुझे इंतजार था। हाइट जो है आपको ईश्वर ने, प्रकृति ने, यदि आपके ऑलरेडी एपिफाइजल फ्यूजन हो गया 18 इयर्स के बाद, तो उसको स्वीकारिए, कोई बुराई नहीं है। सचिन तेंदुलकर छोटे थे, नेपोलियन बोनापार्ट छोटे हैं सचिन तेंदुलकर, तो ये कोई मैटर बहुत नहीं करता है, ठीक है, आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। अब आप पूछेंगे एपिफाइजल फ्यूजन हुआ या नहीं, पता कैसे चले, तो बहुत आसान है, एक्सरे से पता चल जाता है। लॉन्ग बोन के एक्सरे लेकर कोई भी रेडियोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन आपको बता सकता है, या पीडियाट्रिशियन भी, कि एपिफाइजल फ्यूजन हो गया है या नहीं। अब आते हैं बात कि आपको वो बताया जाए कि माता पिता की हाइट से बच्चे की फ्यूचर हाइट को निकालना, जैसे मेरा बच्चा कितनी हाइट का होगा, क्या मैं निकाल सकता हूं, तो मैं बताता हूं लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। आप जानते हैं कि आपके बेटे या बेटी की फ्यूचर हाइट क्या होगी, यदि आप पेरेंट हैं और आप बच्चे हैं, एडोलिसेंट हैं, तो आप अपने लिए निकाल के देख सकते हैं, मजेदार है। मां की हाइट सेंटीमीटर में नापिए और पिता की हाइट भी सेंटीमीटर में नापिए। अब क्या करना है आपको, मां की हाइट सेंटीमीटर में प्लस पिता की हाइट सेंटीमीटर में प्लस 13, ये कर दिया और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, जो आंसर आएगा वो होगी बेटे की फ्यूचर हाइट, ठीक है, लगभग लगभग। अब आते हैं बेटी की हाइट, मां की हाइट सेंटीमीटर में लेंगे, उसको माइनस 13 कर देंगे, ठीक है, प्लस फादर की हाइट लेंगे सेंटीमीटर में और अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा बच्ची की फ्यूचर हाइट। अब इसमें एक्यूरेसी कितनी होती है, एक्यूरेसी लगभग 2 इंच ज्यादा या 2 इंच कम की तरफ हो सकती है एस्टिमेशन की, ठीक है, 2 इंच लगभग 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से अधिक का डिफरेंस लग रहा है हाइट में, खासकर कम रहेगी 5 सेंटीमीटर से भी कम, तो इसका मतलब है कि बच्चे ने जेनेटिक पोटेंशियल जो था वो अचीव नहीं किया किसी वजह से, वो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या वो कोई बीमारी की वजह से हो सकती है, जैसे कि किडनी फेलियर्स के मरीज में भी हाइट कम रह जाती है, तो हाइपोथायरॉइडिज्म का मैंने आपको बता दिया। तो ये थी जानकारी सच्ची हाइट के विषय में, कोई झूठ नहीं, व्यर्थ का परेशान नहीं हुआ करो यदि एपिफाइजल फ्यूजन हो गया तो 18-19 साल के बाद, उसको एक्सेप्ट कीजिए जो हाइट है, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाइए। हाइट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट, आप बहुत सुंदर लगते हो छोटी हाइट में भी, अपने व्यक्तित्व को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने कॉन्फिडेंस को वैसा बनाइए कि लोग आपसे बेहद इंप्रेस रहे। बहुत सारे महान लोगों की हाइट दुनिया में कम है और कम थी, ठीक है, तो सच्चे वीडियोस को सफल बनाना आपका काम है ना। झूठ ही जहां पर एस्टेब्लिश होता रहता है वहां हम सच्चाई को सामने नहीं आने देंगे, हम सच्चाई को स्प्रेड नहीं करेंगे, तो हम झूठ के एनवायरमेंट के शिकार हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।